नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार समेत पूरा देश अभी कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। आलम कुछ यूं है कि हर दिन आ रहे मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन अभी भी कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 लाख के पार सामने आ रही है। इन सब के बीच कोविड-19 के इस जंग को जीतने के लिए और कोविड-19 को हराने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। भारत सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए अब कोविन एप्लीकेशन पर कुछ बदलाव किए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके लिए आपके मोबाइल नंबर की भी जरूरत होती है। हालांकि अब तक आपने यही देखा होगा कि एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ 4 लोग ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करने की अनुमति दी गई थी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि इस पर OTP आता है। इस OTP के बाद यूजर लॉगिन कर पाता है। लेकिन जिन लोगों के घर में 1 या 2 ही मोबाइल है और घर में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो आपको बता दें कि एक मोबाइल नंबर से अधिकतम अब और ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जी हां, आपने सही सुना, भारत सरकार की तरफ से इसी नियम में बदलाव कर दिया गया है। लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कोविन ऐप पर अब एक मोबाइल नंबर पर 6 लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले इसमें केवल 4 सदस्यों को ही एक नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करने की अनुमति दी गई थी, जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से साझा कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश भर में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच टीकाकरण के काम को जोर शोर से किया जा रहा है। सरकार का ध्यान देश भर में हर एक नागरिक को टीकाकृत करने का है, ताकि समय के साथ कोविड-19 के खिलाफ आ रही चुनौतियों का सामना देश का हर एक नागरिक कर सके। यही कारण है कि बीते कई दिनों से पूरे देश भर में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के किशोरों को भी टीका देने का काम किया जा रहा है, ताकि बुजुर्ग युवाओं के साथ साथ किशोरों को भी कोविड-19 की इस लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। वहीं उम्मीद है कि जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में सरकार 15 साल से कम उम्र के युवाओं के टीकाकरण की शुरुआत भी कर सकती है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पास टीकाकरण ही एक आखिरी विकल्प मौजूद है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को कोविड-19 के किसी भी लहर से बचाया जा सके। क्योंकि कोविड-19 की तीसरी लहर में एक बात तो तय है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण पूरा होने के कारण ही ये लहर संक्रामक रही, लेकिन ज्यादा घातक नहीं बन सकी। ऐसे में जिन लोगों ने अपने टीकाकरण को करवा लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अब तक अपना टीकाकरण नहीं करवाया है वो कोविन एप्लीकेशन पर जाकर अपना टीकाकरण करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।